जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार दोस्तों। फिर से आपके लिए आज शाम तक का ताजा सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। इस वीडियो हम लोग जानने वाले आज शाम तक का सरसों भाव किस मंडी में कितनी भाव रही, साथ में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कब सरसों किसान भाइयों को हर एक वर्ष एक मोटी कमाई देके जाएगी, इसके पीछे का कारण क्या है, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आज शाम तक का सरसों भाव, हम लोग एक नजर डालते हैं आज शाम तक का सरसों भाव की ओर। तो बीपी आगरा में आज सरसों का भाव रहा है 7,500 रुपए क्विंटल, बरवाला की मंडी में 6,550 रुपए क्विंटल, चरखी दादरी में 6,600 रुपए क्विंटल से 6,700 रुपए क्विंटल तक, हापुड़ की मंडी में 7,250 रुपए क्विंटल से 7,300 रुपए क्विंटल तक, पोरसा की मंडी में 6,600 रुपए क्विंटल से 6,675 रुपए क्विंटल तक। यहाँ पे आज 50 रुपए का तेजी देखा गया और आवक रही है 200 क्विंटल सरसों की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मुरैना की मंडी में 6,650 रुपए क्विंटल से 6,700 रुपए क्विंटल तक, यहाँ पे आज 50 रुपए का तेजी देखा गया, आवक रही है 500 क्विंटल सरसों की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ग्वालियर की मंडी में शाम तक का सरसों रिपोर्ट में देखा गया है 6,700 रुपए क्विंटल से 6,800 रुपए क्विंटल तक तेजी देखी गया है 10 रुपये का, और आवक रही है 500 क्विंटल सरसों की। राजस्थान की भरतपुर मंडी में सरसों रिपोर्ट में शाम तक का सरसों भाव देखा गया है 6,750 रुपए क्विंटल से 6,827 रुपए क्विंटल तक, यहाँ पे आज 0 रुपए का तेजी देखा गया है दोस्तों, सामान्य भाव ही रही, आवक रही है 5,000 क्विंटल सरसों की। बहुत ही बड़ी मंडी है राजस्थान की भरतपुर मंडी। अलवर मंडी में शाम तक का सरसों भाव देखा गया है 6,800 रुपए क्विंटल से 6,900 रुपए क्विंटल तक, और यहाँ भी आज दोस्तों 50 रुपए का तेजी देखा गया है भाव में, आवक रही है 6,000 क्विंटल सरसों की अलवर मंडी, दोस्तों काफी बड़ी मंडी है। खैरतल मंडी में शाम तक का सरसों भाव देखा गया है 7,000 रुपए क्विंटल से 7,100 रुपए क्विंटल तक, यहाँ पर भी आज 50 रुपए का तेजी देखा गया है। सिरसा मंडी में सरसों का भाव शाम तक का 6,497 रुपए क्विंटल, नोहर की मंडी में 6,599 रुपए क्विंटल, भट्टू कला की मंडी में 6,625 रुपए क्विंटल, गोलू वाला की मंडी में शाम तक का सरसों भाव 6,624 रुपए क्विंटल, जयपुर मंडी में 7,725 रुपए क्विंटल से 7,750 रुपए क्विंटल तक, अंतिम में दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली की मंडी में शाम तक का सरसों भाव 7,000 रुपए क्विंटल। ये थे दोस्तों आज का ताजा सरसों का रिपोर्ट। अब हम लोग जानने वाले कि सरसों हर एक वर्ष किसानों को एक मोटी रकम कैसे देखी जाएगी, मैं आपको बताता हूं। अभी सरकार दोस्तों सरसों के तेल में किसी भी प्रकार का मिलावट पे रोक लगा दी है, अभी अब सरसों में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं कर सकते सरसों तेल में, जिसके कारण अब क्या होगा कि सरसों का जो डिमांड है काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस वर्ष जो सरसों का भाव था काफी आसमान में रही है, ये दोस्तों 8,300 तक सरसों इस वर्ष बिकी है दोस्तों। तो अगले वर्ष अगर आप अच्छा खासा मोटा रकम में सरसों की अगर आप पैदा करते हैं दोस्तों, अगर आश्विन के महीने में दोस्तों हिंदी में आश्विन कहा जाता है, आश्विन के मंथ में अगर आप फर्स्ट सीजन में सरसों को लगाते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों सरसों, अगर आप जल्द ही लगा देते हैं समय से पहले तो। अगर आप आश्विन में सरसों लगाते हैं तो काफी अच्छा खासा आपका पैदावार होगा और दोस्तों मोटी रकम मिलेगी, क्योंकि सरसों का डिमांड हर एक वर्ष अच्छा ही रहने वाली है दोस्तों। अगर लोवेस्ट भाव भी सरसों को होगा तो 6,000 रुपए क्विंटल लोवेस्ट भाव रहेगा सरसों का, और दोस्तों अच्छा खासा मोटी रकम सरसों आपको देखी जाएगी हर एक वर्ष। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा आपको कि हर एक वर्ष आप सरसों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा मात्रा में सरसों को उत्पादन करें ताकि आपको अच्छी खासी मोटी रकम सरसों देखी जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जानना है कि सरसों को किस टाइम रोपे या किस टाइम उत्पादन करें, किस टाइम पैदावार करें जो ज्यादा उत्पादन होगा, इस विषय में एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सुबह शाम सरसों का भाव सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे शाम को कल सुबह नई सरसों मंडी भाव से, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।